नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं टीवी लाइव। सबसे पहले आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। दीपावली यानी दीपों का त्यौहार, खुशियों का त्यौहार, अमावस्या की काली रात को उजाले से भरने वाला त्यौहार और सुख समृद्धि का त्यौहार। तो इस दिवाली ऐसा क्या करें कि धन की स्वामिनी माँ लक्ष्मी की सीधी कृपा आप पर बरसे, ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य, हस्तलेखा विशेषज्ञ डॉक्टर लक्ष्मीकांत त्रिपाठी जी। तो पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो सबसे पहले हम पंडित जी से जानेंगे कि क्या है दीपावली का महत्व, क्यों मनाई जाती है दीपावली, और इस बार दीपावली का शुभ मुहूर्त क्या है। बहुत सारे दर्शक हमारे जानना चाहते हैं कि किस शुभ घड़ी में पूजा की जाए ताकि उन्हें पूजा का सीधा लाभ मिल सके। तो पंडित जी बताइए कि क्या है दीपावली का महत्व और क्या है इस बार का शुभ मुहूर्त। देखिए, दीपावली का त्यौहार सबसे ज़्यादा आनंद और उमंग का त्यौहार होता है। एक तो दीपावली प्रकाश का पर्व है, यानी कि अंधकार जहाँ भी है धरती में उसको दूर करना। ये अंधकार चाहे घर में हो, चाहे मोहल्ले में हो, चाहे राष्ट्र में हो और चाहे विश्वव्यापी हो। और अंधकार कई तरह का हो सकता है। एक तो अज्ञान अंधकार है, तो सबको ज्ञान बांटना, ज्ञान देना, मदद करना, अपने संसाधनों का उपयोग करना, ये दिवाली में संकल्प सबको लेना चाहिए। लक्ष्मी जी उसी घर में आती हैं, और दिवाली हम इसलिए भी मनाते हैं क्योंकि भगवान श्री राम का आगमन हुआ था इस दिन अयोध्या में। वापस आए थे, विजय प्राप्त करके वापस आए। तो विजय प्राप्त वही आदमी कर सकता है जिसके अंदर संयम हो, विनम्रता हो, आर्द्रता हो। क्योंकि आर्द्रता यानी कि कोमलता, इमोशंस, और ये उसी में होते हैं जो महान होता है। और जहाँ इमोशंस होते हैं, दयालुता होती है, वहीं पे लक्ष्मी जी आती हैं। तो लक्ष्मी जी को बुलाने का सबसे पहला मंत्र है कि आप विनम्र हो जाए। तो ये तो हमने जाना कि दीपावली का महत्व क्या है, क्यों मनाई जाती है दीपावली। अब पंडित जी, अब आप हमें बताइए कि इस बार शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, दीपावली का इस साल रविवार को प्रारंभ हो रहा है। रविवार को 30 अक्टूबर को सुबह प्रातः शुरू होगी सूर्योदय के समय और रात 12 बजे तक चलेंगी। लेकिन लक्ष्मी जी की पूजा का श्रेष्ठ समय जो है वो शाम को 5:34 से 8:16 तक का रहेगा। तो इस बीच अगर माँ महालक्ष्मी जी की पूजा करेंगे, आराधना करेंगे, श्रद्धा के साथ उनका पूजन करेंगे, तो निश्चित रूप से महालक्ष्मी जी की कृपा आप पर रहेगी और धन धान्य से संपूर्ण रहेगा आपका घर। बिल्कुल। तो शुभ मुहूर्त पर आप भी पूजा अर्चना कीजिए और माता लक्ष्मी की कृपा ताकि आप पर बनी रहे और सदैव आपके घर धन धान्य सुख समृद्धि रहे। तो पर अब तक हमने जाना कि क्या है महत्व और क्यों मनाई जाती है दीपावली, लेकिन माता लक्ष्मी किन पर मेहरबान रहती है ये जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।